बनाओ एक बार तीसरा, जिसने नहीं बनाया घर जाके वो बनाने की कोशिश करे, ठीक है, जिसने नहीं बनाया वो एक बार बनाने की कोशिश करे। मैं ही गिरा लेता हूँ जब तक। जिसने घर से बना लिया है वो कोई दिक्कत नहीं, जिसने नहीं बनाया वो एक बार बनाने की कोशिश करे। नहीं आता तो मैं बताऊं, कल अगर बेसिक आपके समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो बन जाएगा। अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से बेसिक एक बार बता दूंगा। ऐसा कोई बच्चा है जिसकी पहली क्लास आज? देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पांच लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, पांच लोग हैं, एक वृत्ताकार की मेज है, इसको बैठे हुए हैं पांच लोगों को, हम कहाँ बैठे हुए हैं? सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। सभी का जो मुख है वो केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ। हम कहीं भी पांच लोगों को बैठा देते हैं, सबका मुख कहाँ है? सेंटर की तरफ। जब भी पांच लोग हों, जब भी क्या हो, पर्सन ऑफ वैल्यू जो हो वो नंबर ऑफ किस में हो, इवन में हो, तो वो व्यक्ति जो बैठेंगे वो हमेशा कहाँ बैठेंगे? एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। जब भी वैल्यू आपकी क्या हो, ऑड नंबर हो, जैसे पांच हो सात हो, पर्सन की वैल्यू क्या हो, पांच हो सात हो नौ हो ग्यारह, तो पर्सन की वैल्यू हम कहीं भी बैठा सकते हैं, और मेज पे हम कहीं भी बैठा सकते हैं, मगर वो एक दूसरे के सामने कहीं नहीं बैठेंगे। जब इवन नंबर में होंगे, जैसे छह हो, तो वो व्यक्ति कहाँ बैठेंगे? आपके आमने सामने कहीं ना कहीं बैठेंगे, ठीक है। ये कह रहा कि पांच लोग हैं, एफ जे एन आर ओ टी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र में करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हों, जे एफ के तुरंत बाएं है। हमने एक चीज पढ़ी थी, जब व्यक्ति का मुख कहाँ हो? सेंटर की तरफ हो। जब व्यक्ति का मुख सेंटर की तरफ हो तो जो दाया होगा वो किधर होता है? जो हमारा दाया होता है वो व्यक्ति का दाया होगा, जो हमारा बाया होगा वो व्यक्ति का बाया होगा। अगर मैं कहूँ तो इसका राइट हैंड इधर होगा और इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, है ना? इसका राइट हैंड इधर होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी व्यक्ति का मुख कहाँ हो, सेंटर की तरफ हो, तो एंटी क्लॉक वाइज दिशा में क्या होगा? राइट हैंड होगा। और क्लॉक वाइज दिशा में क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। क्लॉक वाइज दिशा का मतलब है कि घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? इस दिशा में चलती है ना, तो लेफ्ट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, लेफ्ट इधर ही जाएगा, ये क्या होगा? लेफ्ट होगा, ये इसका राइट हो जाएगा, समझ आया? राइट इधर एंटी क्लॉक वाइज दिशा में, राइट इधर इसका, लेफ्ट इधर, कोई दिक्कत? कह रहा कि जे एफ के तुरंत बाएं है, जे जो बैठा हुआ है वो एफ के कहाँ बैठा हुआ है? बाएं बैठा हुआ है। जे जो बैठा हुआ है व्यक्ति, वो एफ के तुरंत बाएं बैठा हुआ, बाएं किधर? लेफ्ट हैंड। जे जो बैठा हुआ है वो व्यक्ति एफ के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, तो एफ के तुरंत बाएं बैठा दिया हमने, कोई दिक्कत? नो सर। जे जो बैठा हुआ है वो एफ के बाएं बैठा हुआ, तो इसका बाया किधर होगा? इधर ही होगा, लेफ्ट हैंड। तो हम कह सकते हैं कि जे जो बैठा हुआ है वो एफ के बाएं बैठा हुआ। फिर अगली बार क्या कह रहा है कि एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, एन जो बैठा हुआ है वो एफ के बाएं को, बाया किधर? बाया ही हुआ क्लॉक वाइज दिशा में। एन जो बैठा हुआ है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, एन एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, पहला स्थान बाया दूसरा स्थान, एन कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पर बैठा हुआ है, एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर वो कह रहा है कि बी जे के बाएं, बी जो बैठा हुआ है जे के बाएं को कहाँ बैठा हुआ? बाया किधर? क्लॉक वाइज दिशा में। बी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो बी जे के बाएं पहला और दूसरा, तो बी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। बी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, फिर एक बच्चा क्या हमारा एफ हो गया, जे हो गया, एन हो गया, बी हो गया, आर बचा, आर कहाँ? एक स्थान हमारा जो बच्चा, आर कहाँ बैठेगा? इस वाले स्थान पर बैठेगा। तो कुछ कह रहा है कि जे के दाएं को दूसरे स्थान पर क्या होगा? जे के दाएं, दाएं किधर? एंटी क्लॉक वाइज दिशा में, पहला दाएं दूसरा दाएं, दूसरे दाएं पर क्या होगा? आर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? है ऑप्शन, कोई ऑप्शन डी, समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? पीछे कोई दिक्कत आया? समझ नहीं आया? बोलो, बोला करो, बाकी नहीं आया कुछ? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो चौथा करो, लड़के जी के
जी के पी आर और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में आर के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, पी और जी के निकट पड़ोसी हैं, टी पी के तुरंत बाएं को है, पी के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आपको बनाना है, जल्दी से बनाने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन चार की तरह, तीन की तरह ही चार है, करो एक बार बनाओ एक बार जल्दी से। आज बच्चे कम कैसे? अच्छा डेढ़ की एक कर दिया आज, तो शेड्यूल में तो पता चल ही गया होगा ना बच्चों। चलो बनाने की कोशिश करो आप। 14 क्वेश्चन बन गया, बनाओ। पीछे बैठे क्यों? दायां और बायां तो पता चल गया ना क्या होता है, विपरीत भी पता है आपको, विपरीत क्या होता है, सम्मुख भी पता है क्या होता है, सन्निकट भी पता होगा, निकट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी है ना, दाएं निकट बाएं निकट कौन सा होगा, ये सारी चीजें मैंने कल बता चुके हैं, बता दूंगा। देखो चौथा क्या कह रहा है कि लड़के कितने हैं? पांच हैं। तो हमें एक चीज पहले तो सबसे पहले ये पता है कि पांच व्यक्ति हैं, तो ऑड नंबर्स हैं, तो पर्संस को हम कहीं भी बिठा दें, टेबल है ना, तो कहीं भी बिठा दें, पांच व्यक्ति बैठे हुए हैं कहीं भी बिठा सकते हैं, और जिनका मुख कहाँ है, सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ है। आर का के बाएं को तीसरे स्थान पर, आर जो बैठा हुआ है के बाएं बैठा हुआ है कहां, तीसरे स्थान पर। बायां कहां जाएगा, क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में? बायां ले जाएगा क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में मतलब घड़ी की दिशा में। आर जो बैठा हुआ है के बाएं को कहां बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे ऊपर जाएगा। आर जो बैठा हुआ है वो के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक? आर जो बैठा हुआ है के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा क्लॉकवाइज दिशा में। फिर दूसरा आगे क्या कह रहा है कि पी और जी के निकट पड़ोसी हैं, पी और जी के निकट पड़ोसी हैं, या तो पी यहां होगा या तो यहां जी होगा, क्यों, के का पड़ोसी यही तो है, या तो पी होगा यहां या तो जी होगा, या तो पी यहां होगा या तो जी यहां होगा, इन दोनों में से अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि पी कहां बैठा है, यहां बैठा है या यहां बैठा है, या जी यहां बैठा है या यहां बैठा है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, पी और जी के निकट पड़ोसी हैं, टी पी के तुरंत बाएं को है, टी जो है वो पी के तुरंत कहां है, बाएं को है। अगर मुझे बताओ कि पी में यहां बैठा है, पी को अगर मैं यहां बैठा दूं तो क्या कह रहा है, टी जो बैठा हुआ है पी के तुरंत बाएं को, बाएं किधर होगा, क्लब वाइज दिशा में होगा, तो यहां तो टी बैठ जाएगा, मगर मैं पी को यहां बैठा, पी को अगर मैं यहां बैठा दूं तो टी यहां बैठ जाएगा तुरंत बाएं, नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यहां पर पहले से ही कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, तो हमें पी कहां बिठाना पड़ेगा, पी कहां बिठाना पड़ेगा, यहां पे हमें जी बिठाना पड़ेगा, और यहां पे हमें क्या बिठाना पड़ेगा, पी बिठाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि पी टी पी के तुरंत बाएं है, टी पी के तुरंत कहां है, बाएं है, पी के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एक पर्सन बचा, कोई बचा नहीं, बचा पांचों के पांचों बैठे हैं, पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जी, आपका आंसर आ जाएगा जी, ऑप्शन ए, समझ आया? क्वेश्चन नंबर पांच करो, हो गया, जिसका नहीं हुआ है वो करे एक बार। छह कारें हैं, डी एफ एच जे एल और एन एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर खड़ी की गई हैं, जिनका मुख कहाँ है, सेंटर की तरफ है, केंद्र की ओर है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, एच एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, जे डी के तुरंत बाएं को है, एफ एन के बाएं को दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, एच के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन सी कार है, आपको बताना है क्या है आंसर, जिसका हो गया आप आंसर बताइए एक बार, ठीक है। करके नहीं लाए हम करें एक बार कोशिश करें, अगर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा जल्दी, समझ आ रहा है आपके, बना बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच बनाने की कोशिश करो। बैठो जल्दी बनाओ।
नंबर पांच क्वेश्चन नंबर पांच बना देखो क्वेश्चन नंबर पांच देखो क्या कह रहा है कि छह कार हैं तो सबसे पहले हमें फिगर बनाना है छह हैं तो कैसे नंबर्स में इवन नंबर्स में तो ये जो बैठेंगे वो कहाँ बैठेंगे एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे छह पर्सन हैं तो हमें बिठाना है एक दूसरे के आमने सामने सबका मुख किधर है केंद्र की तरफ है सबका मुख किधर है केंद्र की तरफ ठीक कोई दिक्कत यहाँ तक फिगर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रो कह रहा है कि एच एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है एच जो बैठा हुआ है वो एन के दाएं को कहाँ बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर एच जो बैठा हुआ है वो एन के दाएं दाएं किधर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एच एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है तो पहला दूसरा तीसरा एच जो बैठा हुआ है वो एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है कोई दिक्कत प्रो कह रहा है कि जे डी के तुरंत बाएं को बैठा हुआ है जे जो बैठा है वो डी के तुरंत बाएं बैठा है इस लाइन को हम होल्ड कर देते हैं क्योंकि हमें अभी नहीं पता है क्योंकि पॉसिबिलिटी दो बननी है कहीं या तो यहाँ बैठ सकता है इन दोनों में से कहीं या तो इन दोनों में से कहीं बैठ सकता है तो इस लाइन को होल्ड कर दो एक बार जे डी के तुरंत बाएं को है एफ एन के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है एफ जो बैठा हुआ है वो एन के कहाँ बैठा हुआ है बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है एन का बायां ब्लॉक बाएं एफ जो बैठा हुआ है वो एन के बाएं को दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा एफ जो बैठा हुआ है वो एन के बाएं को दूसरे स्थान पर है डी एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है आगे कह रहा है कि डी जो बैठा हुआ है वो एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है डी जो बैठा हुआ है वो एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है बाएं किधर क्लॉकवाइज एफ के बाएं को दूसरा पहला और दूसरा डी जो बैठा हुआ है वो एफ के बाएं को कहां बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है जो लाइन होल्ड करी थी हमने कौन सी करी थी जे डी के तुरंत बाएं को है जे डी के तुरंत बाएं को है बाएं किधर क्लॉकवाइज दिशा में है एंटी क्लॉकवाइज कुछ कह रहा है एच के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है एच के दाएं दाएं किधर एंटी क्लॉकवाइज दिशा या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन से स्थान पर दूसरे स्थान पर पूछ रहा है पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर कौन है आपका आंसर आ जाएगा कौन ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सिक्स करिए ये भी सब हो गया ये भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ कोशिश करिए एक बार करने क्या आंसर आया आई एम वाले गलत हैं आई सही है आई करो एक बार बनाने की कोशिश करो ये तीन क्वेश्चन जो हुए वो समझ आया या नहीं आया कोई दिक्कत यहां तक मुझे लगता नहीं होगी दायां और बायां तो समझ में आ रहा होगा ना दायां किधर है बायां किधर है ठीक है ये एबीपी वाले भी नहीं बोल निकालना है मुझे लग रहा है रेडी आज एबीपी वाले जो है क्वेश्चन नंबर छह देखिए क्या कह रहा है कि छह अभिनेता हैं एक है सी एक ई जी आई के और एम केंद्र की ओर मुकर के गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो एम जी के बाएं से दूसरा है ई सी के दाएं ओर से दूसरा है के एम के एकदम बाएं है ई के एकदम दाएं कौन बैठा है बता सकते हो आप बता सकते हो आया करके नहीं आया देखो सबसे पहले तो हमें वही फिगर बनाना है कितने लोग बैठे हुए छह बैठे हुए छह बैठे हुए हैं तो आमने सामने बैठे होंगे है ना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा सबका मुख कहाँ है सेंटर की तरफ हमने बना दिया है
वो कह रहा है कि एम जी के बाएं से दूसरा है, एम जो बैठा हुआ है वो जी के बाएं से कहां बैठा हुआ है, दूसरा है, एम जी के बाएं से दूसरा है। अगर एम जी के बाया, माया किधर, क्लॉकवाइज दिशा में, एम जी के बाएं से दूसरा है, एम कहां बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है, एम जी के बाएं से दूसरा है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं, एम जी के बाएं को दूसरा है, ई सी के दाएं ओर से दूसरा, ई जो बैठा हुआ है वो सी के दाएं ओर से दूसरा बैठा हुआ है। हम इस लाइन को क्या कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, नहीं तो हमें एक पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेगी, ठीक है। आगे कह रहा है कि के एम के एकदम बाएं है, के जो बैठा हुआ है वो एम के एकदम कहां बैठा हुआ है, बाएं बैठा हुआ, बाएं या किधर, क्लॉकवाइज दिशा में, के एम के एकदम बाएं बैठा हुआ है, बाएं है, पूछ क्या रहा है, जो लाइन होल्ड करी थी उसको पढ़िए, ई सी के दाएं ओर दूसरा है, ई सी के दाएं ओर दूसरा है, ई जो बैठा हुआ है वो सी के दाएं ओर, अगर सी को मैं यहां बैठाऊं तो ई का बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, ई जो बैठा हुआ है वो सी के कहाँ, दाई ओर बैठा हुआ, दाई ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ई जो बैठा हुआ है वो सी के दाई ओर बैठा हुआ है, अगर मैं सी को यहाँ बैठा दूँ, अगर मैं सी को यहाँ बैठा दूँ तो मुझे ये बताओ ई यहाँ बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है, तो हमें सी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, इसी वाली पोजिशन बैठाना पड़ेगा, तब जाके ई यहाँ बैठेगा दूसरे स्थान पर। कह रहा है कि सी जो बैठा हुआ है वो ई के दाई ओर दूसरा बैठा हुआ है, तो सी कहाँ, सी ई सी के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बच्चा कौन, एक बच्चा हमारा, कौन बच्चा, आई बच्चा, आई बच्चे स्थान पर बैठेगा। पूछ क्या रहा है, ई के एकदम बाएं, ई के एकदम बाएं, बाएं पूछ रहा है, बाएं किधर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दाएं पूछ रहा है, बाएं नहीं पूछ रहा, ई के एकदम दाएं पूछ रहा है, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पे कौन बैठा हुआ है, ई के बाएं, आई बैठा हुआ है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत, आइए सर क्वेश्चन नंबर 7 करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने की कोशिश करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू पी और डब्लू केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं, पी डब्लू के दाएं को चौथे और यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, आर क्यू और यू का पड़ोसी नहीं है, एस आर के दाएं को तीसरा बैठता है, डब्लू कभी भी बी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, बनाने की कोशिश करो एक बार, किसी ने बनाया है क्वेश्चन नंबर 7, बनाया क्या है, पहले का क्या आया, यू, दूसरे का सी, तीसरे का डी, एंड यू, चौथे का, पांच का, हेलो टी एंड, ठीक है, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बनाया है वो एक बार बनाने की कोशिश करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, आठ लोग हैं आपको बिठाना है, आठों को नंबर ऑफ इवन है, पर्संस की वैल्यू सबको आमने सामने बिठाने की कोशिश करनी है। बन गया, किसी का आया आंसर नहीं आया,
जिन्होंने नहीं किया था यहाँ पे आके किया है, ऐसा कोई बच्चा इसका आंसर आया हो यहाँ पे आके? देखो क्या कह रहा है, कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू बी और डब्ल्यू, कितने लोग हैं? आठ लोग हैं टोटल। आठ लोगों को पहले तो हमें बिठाना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें बिठाना है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू जो है वो आठ है, तो कैसे नंबर्स में, इवन नंबर्स में, तो सबको कहाँ बिठाना है, एक दूसरे के सामने बिठाने की कोशिश करनी है सबसे पहले, ठीक है। कह रहा है कि पी डब्ल्यू के दाएं को चौथे स्थान पर, पी जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के दाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, चौथे स्थान पर, दाएं को चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। डब्ल्यू जो पी जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। पी डब्ल्यू के दाएं को चौथे और यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, और जो यूज हुआ है वो किसके लिए, एंड किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो यू बैठा हुआ है, पी यू के बाएं को दूसरे स्थान पर, पी जो यू के बाएं को कहा, पी जो बैठा हुआ है वो यू के बाएं को, बाएं किधर, क्लॉकवाइज स्थान पर, यू के बाएं को कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कौन, पी, पी यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। आर यू और क्यू का पड़ोसी नहीं है, आर जो बैठा हुआ है वो यू और क्यू का पड़ोसी नहीं है। मुझे ये बताओ, आर जो बैठा हुआ है, आर जो है, आर यू और क्यू का पड़ोसी नहीं है, आर यू और क्यू का पड़ोसी नहीं है, इसको होल्ड कर दो एक बार। एस आर के दाएं को कौन से स्थान पर बैठता है, तीसरे स्थान पर बैठता है। एस जो बैठा हुआ है, बैठो, इसमें लिखा हुआ है, देखो एस आर के दाएं को तीसरा बैठता है, एस जो बैठता है वो आर के दाएं कहां बैठता है, तीसरा बैठता है। मुझे ये बताओ, अगर मैं आर को यहां बैठाऊं, अगर मैं आर को इस स्थान पर बैठाऊं, तो क्या कह रहा है कि एस जो बैठा हुआ है वो आर के दाएं कहां बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर, दाएं किधर, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। एस जो बैठा हुआ है वो आर के दाएं को तीसरे स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, एस जो बैठा हुआ है वो आर के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यहां पे बैठ सकता है, कोई दिक्कत, पॉसिबिलिटी है यहां पे, ठीक है। हम कह नहीं सकते, आर को अगर मैं यहां पे बैठाऊं, आर को मैं अगर यहां पे बैठाऊं, तो वो कह रहा है कि एस जो बैठा हुआ है वो आर के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पहले, दूसरे, तीसरे, तीसरे, यहां पे डब्ल्यू पहले से बैठा हुआ है, तो आर यहां पे तो नहीं बैठेगा, तो यहां तो बैठ नहीं सकता, पॉसिबिलिटी है हमारी खत्म हुई, यहां नहीं बैठेगा, यहां पे बैठेगा। फिर अगर मैं यहां पे बैठा, एक खाली स्थान ये था, है ना, आर जो बैठा हुआ है वो एस के कहां, वो एस जो बैठा हुआ है वो आर के दाएं कहां बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर मैं आर को यहां बैठाने की कोशिश करूं, एस जो बैठा हुआ है कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, है ना, तीसरे स्थान पर, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। अगर मैं आर को क्या करूँ, यहाँ पे बिठाने की कोशिश करूँ, है ना, एस जो बैठा हुआ है वो आर के दाएं कहाँ बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे बननी है, और दोनों पॉसिबिलिटी को मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, डबल एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए। देखो क्या कह रहा था, डब्ल्यू यहाँ पे था ना, पी यहाँ पे था, यू यहाँ पे था, कोई दिक्कत, एक कंडीशन में हमारा कहता आर जो बैठ रहा था यहाँ पे बैठ रहा, दूसरी कंडीशन में आर जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, आर जो बैठा हुआ है, एस जो बैठा हुआ है वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, एस आर के दाएं को तीसरा बैठता है, एस आर के दाएं को तीसरा बैठता है, इस फिगर में भी हमने एस को आर के दाएं तीसरा बैठा दिया, इस फिगर में भी क्या करा हमने, एस को आर के दाएं तीसरा बैठा दिया। वो कह रहा है कि डब्ल्यू कभी भी बी के अगले स्थान पर नहीं है, डब्ल्यू कभी भी बी के स्थान पर नहीं, ये क्या है, यू है ना हमारा, डब्ल्यू कभी भी बी के अगले स्थान पर नहीं, तो बी यहां तो आएगा नहीं, ना तो बी यहां आएगा, क्योंकि अगले स्थान तो दोनों ही, ये भी हमारा अगला स्थान है, इसका ये भी अगला स्थान है, तो बी कहां आएगा हमारा, यहां हो सकता है ना। अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं कि बी जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के अगले स्थान पर नहीं है, बी जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के, डब्ल्यू कभी भी बी के अगले स्थान पर नहीं है, तो बी कहां बैठ सकता है, यहां पर भी बैठ सकता है, और भी यहाँ पे भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नो सर, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
फिर हमने एक लाइन होल्ड करी थी, आर क्यू और क्यू का पड़ोसी नहीं है, आर जो है वो यू और क्यू का पड़ोसी नहीं है। तो मुझे बताओ आर यहाँ पे यू का पड़ोसी बनना है या नहीं बनना है? पड़ोसी बनना है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो थी वो हमारी क्या होगी? गलत होगी कहीं ना कहीं। ये पॉसिबिलिटी जो थी वो हमारी क्या होगी? गलत होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है देखते हैं, आर यू और क्यू का पड़ोसी नहीं है, आर क्यू और क्यू का पड़ोसी नहीं, तो क्यू का पड़ोसी आर यहाँ तो बैठ नहीं सकता है सर, सही। और क्यू को हम यहाँ बैठाएं तो दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो क्यू कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा। आर यू और क्यू का पड़ोसी नहीं है, बच्चा कौन? डब्ल्यू कभी भी बी के अगले स्थान पर नहीं है, तो डब्ल्यू कभी भी बी के अगले स्थान पर हम बैठाई नहीं है। बच्चा कौन? एक परसेंट बच्चा, कौन सा बच्चा? टी बचा हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, क्यू और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है? क्यू और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? अगला क्या कह रहा है, यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? यू के दाएं, दाएं का मतलब तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, एंटी क्लॉकवाइज टी बैठा हुआ है। एस के पड़ोसी कौन है? एस का पड़ोसी एक तो पी है और एक यू है, कोई दिक्कत? बी के विपरीत कौन बैठा हुआ है? बी के विपरीत कौन बैठा हुआ है? बी के क्यू। जब आमने सामने बैठाएंगे तो बी विपरीत बता सकते हैं, तो क्यू बी के विपरीत क्यू बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं स्थान पर है? ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कह रहा है कि पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के ठीक कहाँ होना चाहिए? दाएं होना चाहिए। तो क्यू डब्ल्यू के ठीक दाएं है, क्यू डब्ल्यू के दाएं कहाँ है? बाएं है बेटा, बाएं है, ये दाएं तो नहीं है। पहला गलत हो गया हमारा। फिर कह रहा है कि पी यू के कहाँ होना चाहिए? दाएं होना चाहिए। पी यू के दाएं है कहीं? नहीं, गलत है। दूसरा कह रहा है टी डब्ल्यू के दाएं है, हाँ टी डब्ल्यू के कहाँ है? दाएं है। दाएं कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा, तो टी डब्ल्यू के दाएं यही है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर सात समझ में आया या नहीं आया? ये बड़ा क्वेश्चन है, जब भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये हमेशा बैंक में बनते हैं या यूपी ट्रिपल एससी में जब भी बनेंगे, तो कम से कम इसको उस क्वेश्चन से कम से कम तीन क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसे यहाँ पे पांच क्वेश्चन बने हैं ना, अगर इसमें अगर आपका टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये कम से कम दो या तीन क्वेश्चन आपको बनेंगे। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी कहीं बनती हुई नजर आ रही है और आपके पास क्या है, केवल एक ही क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम में स्किप करना है इस क्वेश्चन को, या तो आपके पास टाइम बाद में बच रहा है तो करना है, अगर टाइम नहीं बच रहा है तो स्किप करके आना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो छोड़ने के लिए आते हैं। जब भी पॉसिबिलिटी आपकी बने तो कोशिश करना है कि अगर एक ही क्वेश्चन उससे पूछा है तो उसको स्किप करें, बाद में करने की कोशिश करें, या दो या तीन क्वेश्चन आपको पूछे तो फिर उसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी एक बनाने से एक फिगर बनाने से कम दो या तीन क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। ठीक है, बैंकिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तीन से चार क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर सात समझ आया या नहीं आया? आ गया, अच्छे से आया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर आठ के लिए अगर समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर आठ में एक संशोधन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आठ नहीं हुआ है ना, इसमें संशोधन करना है, क्वेश्चन गलत है थोड़ा, इस वजह से नहीं हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको देखना है अपनी शीट में। छह मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं जो तालिका के केंद्र का सामना कर रहे हैं। पी एस के दाएं से दूसरे से दाई ओर है, ठीक है, पी एस के दाएं दूसरी ओर दाएं है, इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। क्यू टी के बाएं पर बैठा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिखना है पी आर के बीच बैठा है, यहाँ पर पी आर के बीच नहीं बैठा हुआ है, वो लिखना है पी क्यू और आर के बीच बैठा है, पी क्यू और आर के बीच बैठा है, ये संशोधन करना है आपको। पी जो बैठा हुआ है वो क्यू और आर के बीच बैठा है, हाँ ऑप्शन बी है, आर आएगा आपको। पी जो बैठा हुआ है क्यू और आर के बीच बैठा है, एस आर के बाएं से बैठा है, पी और एस के बीच बैठा हुआ है। हाँ वो तो आ तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्वेश्चन तो गलत है ना, मिसप्रिंट तो है, पूरा फिगर नहीं बन पाएगा अगर वो मिसप्रिंट है। आंसर तो आ सकता है मगर फिगर नहीं बन पाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया, yes,
क्वेश्चन नंबर आठ किस किस का आ गया? अगर नहीं आया तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आठ किसका आ गया? एक बार हाथ उठाएं। नौ का पहला गलत है, तीसरा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आठ बताइए, आठ करिए एक बार मुझसे। चीट नहीं है, चीट बट नहीं है। अच्छा ये ऐसे दे रखी है, एक ही शीट है हमारे पास, हम किससे कराएंगे? बराबर वाली शीट में देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर आठ करिए जल्दी से, जो नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर आठ करे, जिसका नहीं हुआ है वो क्वेश्चन नंबर आठ करे जल्दी से, और जिसका आठ हो गया है वो नौ करे, नौ जिसका हो गया है वो दस करे, और क्या हो गया है नौ गलत हो गया तो इंतजार करें क्वेश्चन नंबर नौ के होने का। जब तक मैं इसको साफ करता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर आठ बनाओ। डस्टर भी ऐसा ही है, साफ भी नहीं हो रहा है। दूसरा वाला डस्टर साफ कहाँ से रखा? वहीं पर रखा हुआ होगा, लेके आओ जो खाली हो, जिसकी क्वेश्चन हो गए। किसका क्वेश्चन नंबर आठ का? देखो क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है कि छह मित्र हैं, ठीक है, कौन कौन? पी क्यू आर एस टी यू बी। क्वेश्चन नंबर आठ छह मित्र हैं तो आमने सामने ही बैठेंगे कहीं ना कहीं। पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं जो तालिका के केंद्र का सामना कर रहे हैं। पी एस के दाई ओर दूसरा है या दूसरे से दाई ओर है, कोई दिक्कत नहीं। पी एस के दाई ओर दूसरा है, पी जो बैठा हुआ है वो एस के दाई ओर कहाँ बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। फिर कह रहा है की क्यू के, क्यू जो बैठा हुआ है वो टी के बाएं बैठा हुआ है, क्यू टी के बाएं बैठा, बाएं पर बैठा है। क्यू जो बैठा है वो टी के बाएं बैठा है। मुझे ये बताओ क्यू को यहाँ बैठा सकता हूँ मैं? क्यू जो बैठा है वो टी के बाएं बैठा है, और टी के बाएं बैठेगा यहाँ पे एस पहले से बैठा हुआ है, तो क्यू जो बैठा है वो टी के बाएं बैठा है। क्यू जो बैठा है वो टी के बाएं बैठा है, क्यू जो बैठा है वो टी के बाएं बैठा है। या तो क्यू यहाँ बैठा है, टी यहाँ बैठेगा तो क्यू यहाँ बैठेगा, अगर टी यहाँ बैठेगा तो क्यू यहाँ बैठेगा। दो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बने। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्यू टी के बाएं पर बैठा है, पी क्यू और आर के बीच बैठा है। पी जो बैठा हुआ है वो क्यू और किसके बीच बैठा हुआ है? आर के बीच बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्यू यहाँ पे बैठेगा और आर यहाँ बैठेगा, तो टी कहाँ बैठेगा? क्यू जो बैठा हुआ है वो टी के कहाँ बैठा हुआ है? बाएं पर। क्यू जो बैठा हुआ है वो टी के कहाँ बैठा हुआ है? बाएं बैठा हुआ है। बच्चा कौन? एक व्यक्ति बच्चा हमारा कौन? क्यू बच्चा। बच्चे हुए स्थान पर यू आ जाएगा, बैठा दो इसको। पूछ क्या रहा, पी और एस के बीच में कौन है? पी और एस के बीच में कौन है? पी और एस के बीच कौन है? आर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए एक बार। कितने लोग हैं? दूसरा नाम नहीं, अमीषा, मंजू, ललता और अर्पिता, मतलब छह ही लोग। छह लोग हैं, छह लोगों को बैठा लो।
क्या कह रहा है कि मुख करके एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं उषा दामनी के सामने। उषा जो बैठी हुई है वो दामनी के कहाँ बैठी हुई है? आ गया सर सही आएगा। उषा दामनी के सामने। उषा जो बैठी हुई है वो दामनी के कहाँ बैठी हुई है? सामने बैठी हुई है। उषा दामनी के सामने है जो मंजू के दाएं गोल, जो किसके लिए होता है? सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है? दामनी। तो दामनी मंजू के दाएं गोल है। दामनी जो है मंजू के कहाँ है? दाएं गोल है। मंजू कहाँ होगी? यहाँ बैठेगी मंजू। दामनी जो है मंजू के कहाँ है? दाएं, है ना। उषा अमीषा और हर्षिता के बीच में है। उषा जो बैठी हुई है वो कहाँ बैठी हुई है? अमीषा और हर्षिता के बीच में। अब हमें ये नहीं पता कि अमीषा यहाँ बैठी हुई है, हर्षिता यहाँ बैठी हुई है, अमीषा यहाँ बैठी हुई है, हर्षिता यहाँ बैठी हुई है। क्या करते हैं हम इसको होल्ड कर देते हैं एक बार। आगे क्या कह रहा है कि हर्षिता मंजू के बगल में नहीं है। हर्षिता जो बैठी हुई है वो मंजू के बगल में नहीं बैठी हुई है। मंजू के बगल में यहाँ बैठी हुई है। हर्षिता मंजू के बगल में नहीं बैठी हुई। उषा किस किसके बीच में बैठी हुई है? अमीषा और हर्षिता के बीच में। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ होगा? अमीषा बैठी हुई है। बच्चा कौन है? बच्चा कौन? ललिता बच्ची। इनको भी बिठा दो, ये क्यों कहाँ बैठे हैं बेचारे? ठीक है, पूछ क्या रहा है ललिता के दाएं कौन है? दाएं कौन है? हर्षिता। सही है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 10 करिए फिर, अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 करिए। आसान है। कितने लोग हैं? जस्सी, आकाश, गर्मा, नितिन, वैशाली और कैलाश। केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज की चारों तरफ बैठी हुई। ये सभी एसएससी के क्वेश्चन है। ये सभी जो करा रहा हूँ मैं प्रीवियस के क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है मेरा, ठीक है? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मेरा हो, मैंने अपनी तरफ से बनाया हो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड और लेटेस्ट में ही आए हुए हैं, 2-3 साल के अंदर ही। 10 का 11 का मुझे लगता है गलत है। बात डब्ल्यू है, हाँ तो ठीक है, फिर डब्ल्यू ही होगा। 12 का क्यों? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। जिसका नहीं हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करे एक बार जल्दी से। जो घर से करके लाए वो आराम करें, अगला क्वेश्चन करें, आराम ना करें अगला क्वेश्चन करें। और जो घर से करके नहीं लाए वो क्वेश्चन नंबर 10 करें, और जिसका आंसर नहीं आया वो इंतजार करें 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 करिए जल्दी से। इसमें क्या मोबाइल लग जाता है क्या? फिर पीडीएम कैसे लगेगी? इसमें कनेक्ट किससे करोगे? लैपटॉप से तो होगा ही, मैं ये पूछ रहा हूँ। लैपटॉप से तो कनेक्ट हो ही जाएगा, प्रोजेक्टर मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है इसमें, है ना? ये केबल्स लगी हुई है, इस वजह से कह रहा हूँ। मोबाइल टीवी केबल जो आ सकती है, लग सकता है। अगर ये कनेक्ट हो जाए तो आराम से फिर क्या करना है, पीडीएफ आपको यहाँ पर लगा दो। जिस बच्चे के पास नहीं है उसका भी काम चल जाएगा, कम से कम क्वेश्चन यहाँ दिखाएंगे, आराम से सॉल्व करते रहो। पढ़ने में भी आसानी होती है, सारी चीजें डिस्प्ले पर दिखती हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं कहीं ना कहीं। वो उसका सर ज्योग्राफी का पढ़ाया था, ज्योग्राफी क्लास लेके मैथ के लिए का करा दिया। हमारे यहाँ प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं, पीडीएफ भी लगाई जाती है, तो आसान हो जाता है। एक तरफ पीडीएफ लगा लो, एक तरफ व्हाइटबोर्ड को खाली करो, क्वेश्चन कराते रहो। ज़ूम आउट कर ग्यारह का डब्लू, 12 का क्यू, 13 का सी, 14 का ए, 15 का पता नहीं। सर 12 वाले क्यों है? क्या क्यों 12 वाले?
बारह का क्यों ठीक है। क्वेश्चन नंबर दस देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दस देखिए क्या कह रहा है कि जस्सी आकाश गर्मा नितिन वैशाली और कैलाश कितने लोग हैं, तीन और तीन छह, छह लोग हैं, छह के छह कहां बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, छह लोग हैं और छह के छह कहां सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कैलाश गर्मा के बाएं को है, कैलाश जो है वो गर्मा के कहां बाएं है, कैलाश गर्मा के बाएं, बाया किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैलाश गर्मा के कहां बैठा हुआ है, ओ क्लॉकवाइज सॉरी, बाया कहां होगा, क्लॉकवाइज दिशा में होगा, तो कैलाश जो बैठा हुआ है वो गर्मा के कहां है, बाएं को है, जो आकाश के सामने है, जो किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन कौन है यहां पे, गर्मा, गर्मा किसके सामने है, आकाश के सामने, गर्मा किसके सामने, आकाश के सामने, कोई दिक्कत यहां तक, तीन व्यक्ति हमने बैठा लिए ना, यथा स्थिति। फिर आगे क्या कह रहा है, वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है, वैशाली जो है आकाश और जस्सी के कहां बीच में है, अगर मुझे बताओ अगर वैशाली को मैं यहां बैठाऊं तो यहां जस्सी आ नहीं सकता, आकाश और जस्सी के बीच में है वैशाली, तो वैशाली को कहां बैठाना पड़ेगा, हमें यहां बैठाना पड़ेगा, वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है तो जस्सी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, बचा कौन, एक जो बचा है बैठता हुआ उसको बैठा दो, कौन नितिन पूछ क्या रहा है हमसे, नितिन के बाएं कौन है, बाया किधर, क्लॉकवाइज दिशा में, बाया कौन, आकाश, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समझ आया नहीं, कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर दस में कोई दिक्कत किसी को, समझ आ गया, बोलो भाई हाँ या ना बोला करो। क्वेश्चन नंबर ग्यारह करिए, क्वेश्चन नंबर ग्यारह करिए एक बार, क्वेश्चन नंबर ग्यारह कह रहा है कि R N O W Q और C छह लोग हैं, एक गोल मेज के चारों तरफ कैंसर और मुंह करके बैठे हुए हैं, R W के बाएं तो दूसरा है जो O के सामने है, C W का पड़ोसी नहीं है तथा N R के सामने नहीं है, Q के बाएं कौन बैठा है, बताना है आपको ये कौन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत, आ रहा है, सबके आंसर अलग अलग कैसे आ रहे हैं, चलो देखते हैं अभी, यहाँ नीचे बनाओ तो दिखाई देगा या ऊपर ही बनाओ, एक बार बनाने की कोशिश करो, जिसका गलत हुआ है वो एक बार दोबारा से रिपीट करे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 किस किस का बन गया, सत्रह किस किसने किया है, क्वेश्चन नंबर 19 किस किसने किया है, हो गया 20, चलो 15 ठीक है, आपको 15 करके बुलाए घर जाकर मेहनत, क्वेश्चन नंबर 11 करिए, क्वेश्चन नंबर 17 पता है गलत है, मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर जो आए होंगे कुछ के आए होंगे कुछ के नहीं आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में मिस प्रिंट है थोड़ा, 14 में कोई मिस प्रिंट नहीं है, 14 ठीक है, 17 में मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इस वजह से कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तीन क्वेश्चंस के करीब आंसर आ गए होंगे, तीन के करीब नहीं आए, तीन या चार, दो आंसर आ गए होंगे, तीन नहीं आए होंगे मुझे जो लगता है, और जो आंसर आए होंगे वो भी गलत आए होंगे, ऑप्शन में तो मिल गया होगा, बाकी ऑप्शन भी नहीं मिले होंगे, मैं बताऊंगा कहाँ गलती है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो एक बार, कितने लोग हैं,
सबका नहीं बोले ना, बता दीजिए। कितने लोग बैठे हुए? 6 लोग। सबका मुख कहाँ है? कहाँ है? सेंटर की तरफ। सबका मुख कहाँ? सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। ठीक है ना, बताओ कौन आर डब्ल्यू के कहाँ बैठा है? बाएं को दूसरा है। आर डब्ल्यू के बाएं को दूसरा है। आर जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के बाएं को कहाँ बैठा हुआ है? दूसरा बैठा हुआ है। बाया का मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज दिशा में हो जाएगा। आर जो बैठा हुआ है डब्ल्यू के बाएं दूसरा, पहला और ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा है जो ओ के सामने, जो का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन? डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ? ओ के सामने। डब्ल्यू कहाँ? ओ के सामने है। सी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं, सी जो है वो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। अगर सी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है तो सी यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, बची एक जगह सी यहाँ होगा, है ना। सी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, एन आर के सामने नहीं बैठा है। एन जो बैठा हुआ है वो आर के सामने नहीं बैठा है। एन यहाँ पे नहीं बैठा है, इसका मतलब है आर बैठा हुआ है यहाँ पे। बच्चा कौन हमारा? एक बच्चा कौन? क्यू बच्चा हुआ है शायद। क्यू कहाँ जाएगा हमारे? इस वाले स्थान पर आ जाएगा। कुछ कह रहा है हमसे क्यू के बाएं को कौन बैठा है? बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्यू के बाएं एंटी क्लॉकवाइज कौन बैठा हुआ है? डब्ल्यू बैठा हुआ है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? पीछे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या है? 12 क्वेश्चन नंबर बनाने की कोशिश करो एक बार। 12 का है कि L M N O P और Q एक गोल मेज के चारों तरफ कैसे, ये सब ये SSC में आए हुए, कोई CHSL में आया, कोई CHCL में आया, कोई MTS में आया, ठीक है। L M N O P और Q एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। P Q के सामने है, Q L के बाएं को है, O N का पड़ोसी नहीं है, N L के सामने है, N के दाएं कौन है? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या होगा? कितने लोगों का आया? हाथ उठाए एक बार। बाकी का क्यों नहीं आ रहा? इतनी प्रैक्टिस हो गई है, अब तो आ जाओ। 6 लोगों को बिठाते बिठाते तो काफी टाइम हो गया ना हम लोगों को, आ जाना चाहिए। बैठाओ। आगे फिर क्या करोगे? ये पजल वाले क्वेश्चन बन जाएंगे 19 लगभग, यहाँ तो दिमाग घूम जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्यू।
देखो ये छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना एसएससी वगैरह में आते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश मत किया करो। उसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन को आगे पढ़ना है, कहीं ना कहीं जाकर पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपको लाइन को क्या करना है, होल्ड कर देना, उसे पार्ट बनाना है। कोशिश करनी है कि जिस लाइन के जरिए हमारी पॉसिबिलिटी बनने की कोशिश होती है उसको होल्ड करके आगे की लाइन पढ़े, जिससे कि हमारी पॉसिबिलिटी की वजह खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। एसएससी के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाले बनते ही नहीं, अभी तक तो नहीं बनते। अब मेंस में एसएससी में रीजनिंग जुड़ गई है, ठीक है, क्योंकि अब तो सीजीएल मेंस में भी रीजनिंग आ रही है। पहले क्या होता था, केवल मेंस में इंग्लिश और मैथ रहती थी 200-200 नंबर की, अब पैटर्न चेंज हो गया अभी इस बार से पिछली बार से, तो अब तो रीजनिंग भी आ रही है, मैथ भी आ रही है। तो हो सकता है कि लेवल बढ़ा दिया जाए। इस बार जो 2022 का हुआ है उसमें तो लेवल बढ़ा हुआ नहीं था, सामने आमने सामने में। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6-8 व्यक्ति बैठाता हूँ, 8 व्यक्ति बिठाने की कोशिश करता हूँ। कुछ का मुख मैं सेंटर की तरफ करता हूँ, कुछ का मुख मैं सेंटर से बाहर करता हूँ, आउट ऑफ सेंटर करता हूँ, ठीक है, बाहर की तरफ। इसमें दो चीज थी, एक तो था बीपी, एक था आपका क्या समूह, एक क्या था आपका विपरीत था, एक था आपका समूह, ठीक है। विपरीत का मतलब होता है कोई भी कहीं भी अगर बैठा है, अगर मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ कि ए यहाँ बैठा हुआ है, बी यहाँ यहाँ पे है, सी है, डी ई एफ जी, अगर मैं कहूँ कि ए के विपरीत कौन है, तो आप कहेंगे कि ए के विपरीत कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि बी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे एफ बैठा हुआ है। अगर मैं कहूँ एच के विपरीत कौन है, तो डी है, ई के विपरीत कौन है, ए है, सी के विपरीत कौन है, जी है। तो विपरीत में तो एक दूसरे के मुख किधर भी हो आपको क्या कहलाएंगे, वो विपरीत ही कहलाएंगे। अगर बात करता है सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है जो फेस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। अगर एक दूसरे के आमने सामने फेस नहीं है तो वो सम्मुख नहीं कहलाएगा। सम्मुख का मतलब क्या है, फेस जो हो कहाँ हो, सामने हो, जैसे मैं आपसे कहा हूँ सम्मुख हूँ या विपरीत, विपरीत तो कहीं कहलाऊंगा ही मगर सम्मुख भी कहलाऊंगा, क्योंकि हमारे जो फेस है वो एक दूसरे की तरफ है। तो मैं अगर कहूँ कि इसमें सम्मुख कौन कौन से, तो मैं कह सकता हूँ कि ए का सम्मुख ई है, ए का सम्मुख ई है, क्योंकि ए का जो मुख है वो ई के मुख की तरफ, इन दोनों के ए और ई के जो मुख है वो एक दूसरे की कहाँ है, सम्मुख है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डी एच के सम्मुख है, तो आप नहीं कहेंगे कि डी एच के सम्मुख तो नहीं है, मगर हाँ डी एच के कहाँ है, विपरीत बैठा हुआ है, ठीक, डी एच के कहाँ बैठा हुआ है, विपरीत तो है मगर डी एच के सम्मुख नहीं, क्योंकि इनके मुख जो है वो एक दूसरे की तरफ नहीं है, इनके जो मुख है वो दोनों के कहाँ, एक का सेंटर की तरफ और एक का सेंटर से बाहर। अगर मैं कहूँ कि बी और एफ जो है वो आपस में क्या है, सम्मुख है, क्योंकि इन दोनों के जो मुख है आपस में क्या है, एक दूसरे की तरफ। समझ में आ गया विपरीत क्या होता है, सम्मुख क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर किसका आ गया, मुझे ये बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर किसका आ गया। अच्छा पीछे किसी का नहीं आया, देखो क्या कह रहा है, प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आलू, एक क्या कह रहे हैं, एक तो इसमें ये टेबल इसमें ज्यादा इकट्ठी हो गई है, मुझे लग रहा है सारी टेबल इसी में आके कर दी गई, घर ले जाओ इसी। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कितने लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कितने लोग हैं, टोटल 8 है ना, पहले तो 8 को बिठाना, सेंटर की तरफ मुख है या नहीं ये बताओ, सबका सेंटर की तरफ मुख है, सीट नहीं है, कल नहीं आए थे आप, कल आए थे तो कल सीट दी तो थी और क्या, टोटल कितने लोग हैं, 8 हैं, 8 का मुख जो है वो केंद्र की ओर है,
ये कह रहा है कि ब्रावो माही के दाएं को तीसरा, ब्रावो जो बैठा हुआ है माही के कहां बैठा हुआ है, दाएं को तीसरा बैठा हुआ है माही के दाया किधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ब्रावो माही के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ब्रावो कहां होगा, ब्रावो माही के दाएं को तीसरा तथा आलोक के बाएं दूसरा है, तथा आलोक के बाएं कहां है, दूसरा है, तथा आलोक के बाएं, आलोक के बाएं किधर, क्लॉकवाइज कौन सा है, दूसरा है, आलोक के बाएं दूसरा है, आलोक इस वाले स्थान पर होगा तभी जाके दूसरा होगा, पहला तीसरा, ब्रावो जो बैठा हुआ है वो आलोक के बाएं तो दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, मगर माही के दाएं कहां बैठा हुआ है, चौथे तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है चेतन माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है, चेतन जो है वो माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है, अगर आलोक का पड़ोसी नहीं होगा चेतन तो यहाँ दोनों स्थान पर नहीं बैठ सकता, है ना, और माही का भी पड़ोसी नहीं, तो माही का भी पड़ोसी नहीं, तो इन दोनों स्थान पर नहीं बैठ सकता, आलोक कहाँ बैठेगा, इस वाली जगह बैठेगा, आलोक है वो चेतन, चेतन तथा माही का पड़ोसी नहीं है, तो आलोक की जगह कौन सी होगी, आलोक को दो जगह कैसे बैठा दो मुझे ये बताओ, आलोक पहले बैठा दिया है क्या, ब्रावो माही के दाएं को तीसरा तथा आलोक के बाएं को दूसरा है, ठीक है, चेतन माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं, चेतन है, चेतन है, चेतन माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं, चेतन जो बैठा हुआ है ना तो आलोक का पड़ोसी है और ना तो माही का पड़ोसी है, तो यहाँ कौन बैठेगा, चेतन बैठेगा, बात वही थी क्वेश्चन सेम था मगर नाम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, चेतन माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है, जय प्रिया के तुरंत दाएं को है, जय जो बैठा हुआ है प्रिया के तुरंत कहाँ बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है, तो मुझे ये बताओ यहाँ बैठ सकता है जय, नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे माही बैठी हुई है, अगर प्रिया को मैं यहाँ बैठा दूँ तो पहले से ही माही बैठी हुई है, प्रिया के दाएं तो बैठ नहीं सकते हम, ना तो इस वाले स्थान पर बैठ सकते क्योंकि यहाँ ब्रावो बैठा हुआ है, तो ये दोनों दो स्थान ही खाली है, कह रहा है कि जय जो बैठा हुआ है वो प्रिया के तुरंत दाएं, जय जो बैठा है प्रिया के तुरंत दाएं, प्रिया यहाँ बैठेगी तब जाके जय यहाँ बैठेगा, क्योंकि दाएं कह रहा है तो दाएं किधर, एंटी क्लॉकवाइज, जय प्रिया के तुरंत दाएं को है, बचा कौन, एक बच्चा, एक नहीं दो बच्चा है, जो अमित के दाएं को दूसरा है, जो अमित के दाएं को कौन दूसरा है, जय जो बैठा हुआ है, जो अमित के कहाँ बैठा हुआ है, दाएं को दूसरा बैठा हुआ है, दाएं अच्छा एवर वो, जय प्रिया के तुरंत दाएं को है, जय प्रिया के तुरंत दाएं को है, जो जो का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है, जो अमित के दाएं को दूसरी है, प्रिया कहाँ है, प्रिया जो बैठी हुई है वो अमित के दाएं को कहाँ बैठी हुई है, दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, अमित कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, अमित प्रिया के, प्रिया जो बैठी हुई है वो अमित के दाएं कहाँ बैठी हुई है, दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, बच्चा कौन, एक बच्चा बोलिए कौन बच्चा, दिनेश, बच्चे हुए स्थान पर दिनेश आ जाएगा, पूछ क्या रहा है हमसे, आलोक के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, आलोक किधर बैठा हुआ है, तुरंत दाएं, दाएं किधर, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कौन बैठा हुआ, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी प्रिया। समझ आया नहीं यार, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 14 करिए, 14 क्वेश्चन नंबर 14 बनाने की कोशिश करो, 8 लोग बैठे हुए, एक बार बनाने की कोशिश करो, मैं मिटा रहा हूं, पहले का है, दूसरे का सी, ये नहीं होगा, सबका अलग अलग है, क्वेश्चन नंबर 14 करिए, क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करो, लग गया है, हो गया 14 नंबर, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार करने की कोशिश करें, 2 मिनट का समय है आपके पास, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट क्या होता है, बैठो मत, हाथ पैर रख के बनाओ, एक बार
बनाओ नहीं तो कम से कम पढ़ो एक बार, क्या ना क्या जा रहा है, कुछ तो चीजें आए दिमाग में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कितने लोग NHPRTWFH केंद्र की ओर मुख किए हुए वृत्त के गिर्द बैठे हैं। PN के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा है, NP के दाएं दूसरा है, RW के दाएं दूसरा है, जो M के दाएं दूसरा है, FP का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बताओ इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने प्रश्न है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 14 कितने लोग, सबसे पहले तो 8 लोग हैं, बैठाने की कोशिश करो सबको आमने सामने। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पी एम के बाएं तीसरा, पी जो बैठा हुआ है वो एम के बाएं बैठा हुआ है, कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। पी जो बैठा हुआ है वो एम के बाएं, बाया किधर, क्लॉकवाइज स्थान, पी एम के बाएं कौन से स्थान पर बैठा हुआ, तीसरे, पहला दूसरा तीसरा। पी जो बैठा हुआ है वो एम के बाएं तीसरे स्थान तीसरा, और टी के दाएं कहां, और की बात होगी किसके लिए यूज होगा, और फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन है कौन, पी, पी टी के दाएं दूसरा, टी जो है वो टी के दाएं दूसरा, पी जो टी के दाएं दूसरा है, टी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाएं कह रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। पी जो बैठा हुआ है वो टी के कहां बैठा हुआ है, दाएं दूसरा है, एन पी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, एन जो बैठा हुआ है वो पी के कहां, दाएं दूसरा बैठा हुआ है, एन पी के दाएं, एन पी के दाएं, दाएं का मतलब किधर, एन जो बैठा हुआ है पी के दाएं बैठा हुआ है, दाएं का मतलब किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज किधर, इधर, एन जो बैठा हुआ है पी के दाएं दूसरा है, पहला एन पी के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, आर जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के कहां बैठा हुआ है, दाएं दूसरा बैठा हुआ है, आर जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के दाएं। अगर मैं, मुझे ये बताओ डब्ल्यू को मैं यहां बैठा दूं, डब्ल्यू को मैं इस कंडीशन में बैठाऊं तो आर यहां बैठ जाएगा दूसरे स्थान पर, आर जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के दाएं बैठा हुआ है कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। अगर मैं आर को यहां बैठा दूं, अगर मैं आर को यहां बैठा दूं या वो डब्ल्यू को यहां बैठा दूं तो आर दूसरे स्थान पर यहां बैठ जाएगा दाएं, तो दो पॉसिबिलिटी बननी है, दो पॉसिबिलिटी बननी है। तो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है जो एम के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं तो दूसरा है ही मगर एम के दाएं दूसरा है, एम किधर है, एम ये एम कौन कौन बैठा हुआ है, जो अगर यूज किया गया किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो एम के दाएं दूसरा है, डब्ल्यू जो बैठा हुआ है वो एम के दाएं कहां बैठा हुआ है, दूसरा, एम के दाएं दूसरा बैठा हुआ है कौन, डब्ल्यू, डब्ल्यू कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, कोई दिक्कत। अब पढ़ो क्या कह रहा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, आर जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है ना, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं तो एफ बचेगा कहां, यहां बैठेगा, बचा कौन, एच, एच बचे हुए स्थान पर एच आ जाएगा। कुछ क्या रहा है, एच का पड़ोसी कौन है, एन और
पी एच का पड़ोसी है पी और एन, एन के संदर्भ में आर का स्थान बताइए, एन के संदर्भ में आर का स्थान बताइए, तो ये कौन सा बाएं तो कौन सा स्थान है, पहला दूसरा तीसरा, बाएं तीसरा, या फिर अगर दाएं से लगाऊं तो दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, किसका पूछा आर का पूछा ना, इधर से कौन सा हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच, दाएं से पांचवा और बाएं से तीसरा, कोई दिक्कत। एन और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, एन और टी, एन और टी के बीच में कितने, तीन यहाँ पे बैठे हैं, तीन यहाँ पे, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन डी, केवल तीन। डब्लू के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, डब्लू किधर बैठा हुआ है, डब्लू के तुरंत दाएं, दाएं कौन बैठा है, नीचे दिए गए युग्म में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर है, तो मुझे ये बताओ, कह रहा है कि पहला व्यक्ति जो बैठा हुआ है दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो एन एच के ठीक बाएं बैठा है, एन जो बैठा हुआ है वो एच के ठीक बाएं है, नहीं, एन जो बैठा हुआ है वो एच के दाएं है, बाएं नहीं, एफ एम के बाएं है, एफ एम के बाएं है, नहीं दाएं है, टी डब्ल्यू के बाएं है, टी डब्ल्यू के बाएं नहीं दाएं है, फिर कह रहा है कि आर पी के, आर जो पी के कहां बैठा हुआ है, बाएं बैठा हुआ है, क्लॉकवाइज दिशा में है, आर पी के कैसा बाएं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करिए, टीम का एक किस किस का है, बाकी का क्यों, आपका कौन सा ए 15, क्वेश्चन नंबर 15 का 15 का ए 16 का सी, बता दो आप इस, अगर इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप नहीं बता पाना फिर आगे तो कैसे बताओगे, मुझे तो ये सब दिक्कत लग रही है, आगे क्वेश्चंस मुझे ही बताने पड़ेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 24, 27, 28 क्वेश्चन पड़े हैं, 27, 25, 26, सबसे अच्छा 23 नंबर है सर, हां 23 नंबर, ये सभी बैंकिंग के क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो बैंकिंग के, एसएससी के क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे, कोशिश करेंगे एक या दो क्लास में बैंकिंग के क्वेश्चन कर लें, ज़्यादा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे बैंकिंग पे क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग नहीं है, फालतू में समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, मगर हाँ फिर भी इतना करेंगे कि एक या दो क्वेश्चन, एक या दो क्लास हम और कर लें सीटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है, अभी ओपन रह गई, ओपन अरेंजमेंट रह गया, ओपन अरेंजमेंट हम एक क्लास में या आधी क्लास में, आधे घंटे का ओपन अरेंजमेंट, जिसने रैंकिंग पढ़ रखा है अच्छे से, रैंकिंग की पहली या दूसरी या तीसरी क्लास जिसने ली है वो ओपन अरेंजमेंट आसानी से बना सकते, 17 अभी कराएंगे, 17 बताऊंगा क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करिए, कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट बचे हैं, देखो छह मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, गोलाकार मेज के चारों तरफ कैंची और मुंह करके बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, सबका मुंह कहां केंद्र की तरफ है, अभी तो केवल केंद्र की तरफ चल रहा है, केंद्र से बाहर भी बैठे होंगे, फिर मिक्स वाले आएंगे, कुछ का मुख केंद्र की तरफ है, कुछ का मुख केंद्र से बाहर है, बड़ी दिक्कतें होंगी, अब इनकी क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस काफी होगी, 15 क्वेश्चन हो गए, अब तो आपको आ जाना चाहिए, मुझे जो लगता है, क्या कह रहा है, देखो ए बी के दाएं को दूसरे स्थान पर, ए जो बैठा हुआ है वो बी के दाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, ए बी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ए जो बैठा हुआ है वो बी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर, ई जो बैठा हुआ है वो सी के बाएं को दूसरे स्थान पर, हमें नहीं पता कहां बैठा है, होल्ड कर दो लाइन को, आगे देखते हैं, बी जो बैठा हुआ है बी ई के सन्निकट नहीं बैठा है, बी जो बैठा है वो ई के सन्निकट नहीं बैठा है, ई जो बैठा हुआ है बी के सन्निकट नहीं बैठा है, सन्निकट का मतलब इसका पड़ोसी नहीं है, अब उस लाइन को हम एक बार पढ़ते हैं, ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ई जो बैठा हुआ है वो सी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ई जो बैठा हुआ है वो सी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, बाएं को कह रहा है, दाएं को लिखिए, ई जो बैठा हुआ है किधर है, ई जो बैठा हुआ है वो सी के बाएं को, ई जो बैठा हुआ है सी के बाएं को कौन से स्थान पर,
दूसरे स्तंभ पर अगर मैं सी को यहाँ बैठा दूँ तो दूसरे स्तंभ पर कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, मगर यहाँ बैठ नहीं सकता, तो सी को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि ई जो बैठा हुआ है वो सी के बाद को दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर यहाँ भी ई नहीं बैठ सकता, तो सी को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते। बच्चा कहाँ हमारा? सी यहाँ बच्चा, तो ई जो बैठा हुआ है वो सी के बाद को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? आगे पढ़ो एक बार। डी ई या ई के समीप नहीं बैठा, डी बी ई या सी के समीप नहीं बैठता है। डी बी जो बैठा है वो ई या सी के समीप नहीं बैठा है, ई के तुरंत बाएं को कौन बैठा है? मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी क्या? डबल बना लेंगे, नहीं बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक बार ऐसे करने से बन जाएगी। ए बी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ए जो बैठा हुआ है वो बी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर, ई जो बैठा हुआ है वो सी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता ही। ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ई जो बैठा हुआ है वो सी के बाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ई जो बैठा हुआ है वो सी के बाएं को कहाँ? क्लॉक वाइज दिशा में, तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठ सकता है। ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, बी ई के सन्निकट नहीं बैठा है, बी जो बैठा है वो ई के सन्निकट नहीं बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी ई या सी का समीप नहीं बैठा, डी जो बैठा हुआ है वो ई या सी के समीप नहीं है, डी जो बैठा है ना तो ई के समीप है और ना तो सी के समीप है, तो डी कहाँ आ जाएगा? इस वाले स्थान पर आ जाएगा। बच्चा कौन? बच्चा वो कहाँ बैठ जाएगा? बच्ची हुई जगह पूछ क्या रहा है, ई के तुरंत बाएं कौन बैठा है? ई के तुरंत बाएं, बाएं किधर? क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में कौन बैठा हुआ है? कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसका साथ सी है, हाँ तो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 लड़के पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोलाकार टेबल में बैठे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं? टोटल 8 हैं, 8ों को एक बार उठाने की कोशिश करते हैं जल्दी, ठीक है। कह रहा पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत है, पी और क्यू कहाँ बैठे हुए हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं, पहली लाइन में, दूसरा नहीं, पहला स्टेटमेंट क्या है? और बी क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो बैठा हुआ है क्यू के कहां? दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत। B जो बैठा है क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, S जो बैठा हुआ है वो B के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे? दाएं में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज दिशा में बैठाना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है? T और W एक दूसरे के विपरीत बैठे, T और W एक दूसरे के विपरीत बैठे, तो मुझे ये बताओ T और W यहाँ पे भी बैठ सकता है? या तो T बैठेगा यहाँ, या तो W बैठेगा यहाँ, या तो T बैठेगा यहाँ, या तो W बैठेगा, या तो T बैठेगा यहाँ, या W बैठेगा यहाँ, टी बैठेगा यहाँ, या W बैठेगा यहाँ, ये दो कंडीशन कहीं ना कहीं दो बन रही है हमारी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर पी और बी के बीच में बैठा है, आर जो बैठा हुआ है पी और बी के बीच में बैठा हुआ है, आर जो बैठा हुआ है वो पी और बी के बीच में बैठा हुआ है, मुझे ये बताओ आर पी और बी के बीच में बैठा है तो टी और डब्ल्यू इस वाली कंडीशन में तो बैठ नहीं सकते, इस वाली जगह तो बैठ नहीं सकते, इस वाली पोजीशन पर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे आर बैठा हुआ है ना, टी डब्ल्यू आमने सामने नहीं बैठ सकते, टी और डब्ल्यू बैठेंगे कहाँ? इस वाली कंडीशन पर बैठेंगे, या तो टी यहाँ बैठेगा, या डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, या टी यहाँ बैठेगा, या डब्ल्यू यहाँ बैठेगा। आप मुझे बताओ बच्चा कौन? एक टी हो गया, क्यू हो गया, क्यू बच्चा हुआ है, तो क्यू कहाँ बैठेगा? बची हुई जगह। मगर हमें एक क्वेश्चन में कंफर्मेशन ये नहीं दी है कि टी यहाँ बैठा हुआ है, या डब्ल्यू यहाँ बैठा हुआ है, टी यहाँ बैठा है, या डब्ल्यू यहाँ बैठा है, हम अपनी तरफ से इसमें कंफर्मेशन नहीं कर सकते। अब हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि ऑप्शंस किस तरीके से दिए हुए। अगर वो कह रहा है कि पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है क्यू के संबंध में टी की स्थिति क्या है, क्यू के संबंध में टी की स्थिति मुझे बताओ, अगर टी को मैं यहाँ बैठा तो क्यू के संबंध में टी की स्थिति क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दाएं तुरंत दाएं,
हम कह सकते हैं जो बैठा हुआ है टी अगर मैं यहाँ बैठा तो कहाँ बैठ जाएगा, तुरंत यहाँ बैठ जाएगा। अगर मैं टी को यहाँ नहीं बैठाता हूँ ये तो ऑप्शन में है ही, है ना। अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो कहाँ टी को अगर मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कहाँ क्लॉकवाइज दिशा में, तो क्लॉकवाइज दिशा तो कौन सी होती है बाएं, तो बाएं कौन सा बाएं हो तीसरा। तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया ऑप्शन से कि टी यहाँ बैठेगा और डब्लू, क्वेश्चन से हमें कंफर्म नहीं था कि टी कहाँ बैठेगा डब्लू कहाँ बैठेगा, मगर ऑप्शन जब हमने देखे तो हमें कंफर्म हो गया कि टी हमें वहाँ बैठाना है और डब्लू हमें वहाँ बैठाना है। समझ आ गई, इनकी पोजीशन पता हमें चल गई है। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 17 में संशोधन कर लो एक बार, देखो क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखना है, जे टी बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जे कॉमा पी कॉमा आर कॉमा टी कॉमा एस कॉमा एन कॉमा ओ और एल केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के गिर्द बैठे हुए, एस और ओ हमेशा एक दूसरे के कहाँ बैठे निकट बैठते हैं, टी आर के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, ये लिखना है आपको, टी आर के दाएं तीन लिखना है आपको, टी आर के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, एन एल के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि टी कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, एल टी और आर का पड़ोसी नहीं है, तब आपको आंसर बताना है कितना। अब बनाने की कोशिश करो एक बार से बल्टी, यह क्वेश्चन छोड़ दे 17 घर से करोगे आप संशोधन हो गया कर सकते हो। क्या भाई संशोधन जो कराया वो नहीं पता चला, तीसरी लाइन में टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर लिख लो, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था जे आर के दाएं लिखा हुआ था, टी लिखना जे की जगह टी। अच्छा मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 17 कराना है या घर से करके लाओगे, कोशिश करोगे घर से करने की हैं? क्या सर ने क्या सवाल लगाया?